नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद यादव, व्याख्याता भूगोल कामरा कोचिंग सेंटर गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों दोस्तों, आज राजस्थान के भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। अभी होने वाली 4 जून को LSA की एग्ज़ाम और 18 जून को कंप्यूटर निदेशक की परीक्षा और 29 जून को 28 जून को लैब असिस्टेंट की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। प्रिय मित्रों, ये राजस्थान के भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है। आइएगा हम राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्थिति की बात करें तो राजस्थान की स्थिति को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जी। एक होगा अक्षांश और दूसरा होगा जी देशांतर। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, मैंने कई बार आपको पढ़ा चुका हूं कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर बीचों बीच यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है दोस्तों। ये दो भागों में इसको विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यदि ये पूछा जाता है कि अक्षांश के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन क्या है राजस्थान की, तो आपका उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध। यदि सवाल ये पूछा जाता है कि देशांतर के अकॉर्डिंग तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया जी और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। दोस्तों यहाँ पे जो है राजस्थान, देशांतर के अकॉर्डिंग ये पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश के अकॉर्डिंग ये उत्तरी गोलार्ध में। जब यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, रेखा दो है और गोलार्ध 4 है मित्रों, और हमारा राजस्थान यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब ग्लोब पर कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है जी। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में है राजस्थान। 20 मई को JN भर्ती परीक्षा का प्रश्न था, राजस्थान किस गोलार्ध में, किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर आएगा आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध। 20 मई को JN भर्ती परीक्षा सेकंड पारी में पूछा जा चुका सवाल है दोस्तों। उसके बाद आप थोड़ा सा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं जी। आइएगा दोस्तों आगे बात करूं कि राजस्थान के संदर्भ में इसका अक्षांश क्या है, इसका देशांतर क्या है। देखिएगा राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। सवाल आ जाए कि राजस्थान का अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है, तो इधर सुनो आप, ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर जाओगे 90 डिग्री नॉर्थ तक ऐसे लाइनें आएंगी।
तो एक लाइन इसके साउथ से टच करके जा रही है, एक बिल्कुल राजस्थान के उत्तर से। दोस्तों ये साउथ वाला पार्ट है, यहाँ पे राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला, उसका नाम है दोस्तों बांसवाड़ा, और इस बांसवाड़ा के गांव का नाम है बोरकुंड। बोरकुंड यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ की तहसील कौन सी लगती है, तो तहसील होगी दोस्तों कुशलगढ़, और ये होगा जी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है जी राजस्थान। और आप उत्तर की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे उत्तर की ओर गए, यहाँ पे जिला है जी गंगानगर, और इस गंगानगर की जो लाइन गुजरती है दोस्तों, यहाँ पे गांव पड़ेगा कोणा गांव, और इसकी तहसील गंगानगर ही होगी। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर होगा जी, ये हुई इसके बारे में बात। और अब अपन चर्चा करते हैं देशांतर के बारे में, तो सुनिएगा यहाँ पे देशांतर, ये खड़ी रेखा है 0 डिग्री, हम हैं पूर्व की ओर, 0 डिग्री से इधर चलेंगे, तो जब आप 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे जैसलमेर जिला है दोस्तों, और जैसलमेर का गांव का नाम है मित्रों कटरा गांव, तहसील पूछी जाए तो सम गांव तहसील है, तहसील सम। इधर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे धौलपुर है जी, जिला सबसे पूर्व में धौलपुर, यहाँ पे इस 69 डिग्री 30 मिनट से इधर चलेंगे लाइनें खींचते हुए तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, गांव का नाम होगा मित्रों सिलाना गांव, तहसील होगी राजा खेड़ा। सवाल आरएसपी में पूछा जा चुका कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है, तो कई लोगों ने तो देखा कि बस 70 डिग्री पूर्व है और पूर्व में धौलपुर है, यहाँ से लाइन खींच दो ना। इधर देखो, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर हो तो सब जगह पूर्वी देशांतर लगेगा, ये राजस्थान के तो पश्चिम में है लेकिन 0 डिग्री के पूर्व में है। दोस्तों ये आपका अक्षांश और देशांतर का विस्तार हुआ। अब सवाल क्या पूछे जाते वो सुनो, पहला सवाल ये पूछा जाए कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री से 3 मिनट से 30-12 तक, 23 में से 12 में से 3 घटाओ जी 9 मिनट, और 9 मिनट और 7 डिग्री, ये अंतर हो गया। यदि ये पूछा जाए कि देशांतरों का अंतर कितना है तो आपको इन दोनों को माइनस करना है, आपका उत्तर होगा
48 डिग्री 47 मिनट। दोस्तों एक परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है, सवाल ये था कि सिल्लाना गांव और कटरा गांव के मध्य सूर्य उदय में कितने समय का अंतर होगा। तो सूर्य उदय में कितने समय का अंतर होगा आपको ज्ञात होगा, एक डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को समय लगता है 4 मिनट, और इसको गुणा कर दो जी, डिग्री यानी घंटा, घंटे की छोटी इकाई मिनट, 8 चौक 32 मिनट, मिनट मिनट की छोटी इकाई सेकंड, 188 सेकंड, 188 की मिनट बना लो 3 मिनट 8 सेकंड, इसको इसमें जोड़ दो तो उत्तर आएगा कटरा व सिल्लाना के मध्य सूर्य उदय में अंतर उत्तर होगा 35 मिनट 8 सेकंड। दोस्तों ये तो बात हुई अक्षांश और देशांतर के, और अभी आपने चर्चा कर ली कि भाई कि यहां पे तो बोरकुंड और जिला बांसवाड़ा, जिला गंगानगर गांव कोणा, जिला धौलपुर गांव सिलाना, जिला जैसलमेर गांव कटरा, तो फिर ये पूछ लिया जाए कि बीच में कौन सा गांव है यहां, तो आपका उत्तर होगा मित्रों लापोलाई गांव। लापोलाई गांव जिला पड़ेगा नागौर। अगला सवाल ये है कि 826 मीटर किलोमीटर लंबाई है, लंबाई और इसकी चौड़ाई है 826 किलोमीटर। अभी भर्ती परीक्षा हुई JN भर्ती, दोस्तों 18, 19, 20 मई को 3 दिन तक दो दो पारियों में परीक्षाएं आयोजित हुई है, उनमें बहुत सारा जीके पूछा जा चुका है। JN भर्ती में ये सवाल आया था कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई का अंतर कितना है, ये दोस्तों सवाल पूछा जा चुका है। आपका उत्तर हो जाएगा 43 किलोमीटर, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कितनी को गिरे सेवन मिनट है। हाँ जी दोस्तों, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी का संदर्भित एग्जाम का है। ये जो वीडियो होगा दोस्तों LSA लैब असिस्टेंट और कंप्यूटर अनुदेशक आने वाली एग्जाम, ठीक है ओके। करक रेखा की बात करें तो दोस्तों यहां पे ये बांसवाड़ा जिला है,
और यहाँ से एक रेखा गुजरती है डूंगरपुर डूंगरपुर को छूती हुई दोस्तों डूंगरपुर के चीखली गांव को छूती हुई तथा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। बात ये पूछी जाती है कि ये जो राजस्थान में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो लंबाई होगी इसकी 26 किलोमीटर और 21 जून को दोस्तों सूर्य करक रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य करक रेखा पर लंबवत चमकता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य की सीधी किरणें तो कहाँ पड़ेंगी और सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी। तो आप बैटरी लेकर के यूं खड़े हो तो सीधी किरण तो कहाँ पड़ रही है, बांसवाड़ा में, और तिरछी किरण कहाँ जा रही है, गंगानगर में। बांसवाड़ा और तिरछी किरण जाएगी जी मित्रों गंगानगर में। दोस्तों यहां पे सवाल एक और पूछा जाता है कि ये जो 21 जून है, ये अभी आप बात कर रहे थे उत्तरी गोलार्ध के, तो उत्तरी गोलार्ध का, यानी कि जब उत्तरी गोलार्ध का ही हो गया तो राजस्थान का भी होगा, उत्तरी गोलार्ध व राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों। बड़ा दिन, इस दिन आपको सनलाइट मिलेगी बस। बड़ा दिन यानी कि सबसे बड़ा दिन है। इसी दिन एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये अपना छोटा सा एक वीडियो था, आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देते हुए इसी जगह मैं अपनी कक्षा को विराम देता हूँ। अगली कक्षा में मिलूँगा आपसे, सामान्य परिचय राजस्थान का भाग 2 में। धन्यवाद, नमस्कार।